हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पल्स। तो जैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन पर बात कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ मोशन का ही एक टॉपिक है इम्पल्स। इसको हम लोग सीखेंगे कि इम्पल्स क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। जब किसी बॉडी पर बहुत ही कम समय के लिए बहुत बड़ा फोर्स एक्ट होता है या अप्लाइड होता है, तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ जाता है और उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स एंड उस टाइम पीरियड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोडक्ट होता है, उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। और हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पल्स के कारण ही किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंजिंग आता है, और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से हम लोग एक एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना ड्यूरेशन के लिए लग रहा है और किस तरह से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग डिफाइन किए कि इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम पीरियड होता है और इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम लोग इम्पल्स के एसआई यूनिट की बात करें, तो जैसे फोर्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन और टाइम का हो गया सेकंड। तो इम्पल्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड, और इसका एसआई यूनिट मोमेंटम के बराबर भी होगा, यानी अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि पी स्केल टू एम वी, यानी मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इंटू बी, और मास के लिए केजी हो गया एंड वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इम्पल्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर सेकेंड या फिर केजी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें, तो ये हो जाएगा मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर, यानी ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस वन। तो इम्पल्स को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है और इस बॉल को हम लोग दीवार पर फेंक रहे हैं। जब बॉल दीवार से टकराती है तो बॉल वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लगती है, और अगर बॉल का मास m है और वो इनिशियली v वेलोसिटी से इस वॉल की ओर यानी दीवार की ओर मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा, मान लेते हैं ये इनिशियल मोमेंटम हो गया p इक्वल टू mv, और इसको मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन हो गया। तो इस डायरेक्शन में बॉल इनिशियली मूव कर रहा है, यानी जब हम बॉल को दीवार की ओर फेंक रहे हैं तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। और जब ये बॉल इस दीवार से टकरा रही है तो ये बॉल वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब किसी दीवार पर बॉल को मारते हैं तो बॉल वापस हमारे ओर आने लगती है। तो जब ये बॉल दीवार से टकराई तो बॉल वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लगी, यानी उस केस में उसका वेलोसिटी हो जाएगा माइनस भी। तो अगर ये इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा पी टू स्केल टू माइनस एम वी वेक्टर। और यहाँ से हम लोग अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा डेल्टा पी स्केल टू पी टू माइनस पी वन, यानी यहाँ से लिख सकते हैं पी टू माइनस पी वन, और ये हो जाएगा माइनस एम वी टू, अगर इसको हम लोग वी टू मान लें और इसको वी वन मान लें, जैसे ये वी टू हो गया ये वी वन हो गया। तो यहाँ से माइनस एम वी टू और यहाँ से हो जाएगा प्लस वी वन। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया, यानी जब किसी बॉल को किसी दीवार पर स्ट्राइक करा रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं तो बॉल वापस हमारे ओर ही आने लगती है, तो उसके मोमेंटम में चेंजिंग आ जाता है, और उस चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एम वी टू प्लस वी वन। तो ये जो चेंजिंग आया मोमेंटम, अगर हम लोग इसका कॉज पता करने की कोशिश करें, यानी इसका अगर पता लगाने की कोशिश करें कि मोमेंटम जो चेंज हुआ वो क्यों हुआ, तो जब बॉल दीवार से टकराती है तो दीवार भी उस केस में एक फोर्स अप्लाई करती है, यानी दीवार भी उस बॉल पर एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स बहुत ही लार्ज होता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और ये जो इम्पल्सिव फोर्स होता है ये बहुत ही कम समय के लिए इस बॉल पर लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग बॉल को दीवार पर फेंक रहे हैं या मार रहे हैं तो ये बॉल और दीवार बहुत ही कम समय के लिए एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहता है।
तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है या टाइम इंटरवल होता है इस फोर्स के लगने का, वो बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि वो टाइम ड्यूरेशन हो गया डेल्टा डी, और फोर्स इतना बड़ा होता है और टाइम या ड्यूरेशन जो होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि दोनों को सेपरेटली पता करना या फिर दोनों को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है यानी फोर्स इंटू डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट होता है वो देता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, और फोर्स इंटू डेल्टा टी ये हो गया हमारा इम्पल्स। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का हम लोग बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे जब कोई एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल का मोमेंटम क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, और उस मोमेंटम का चेंज होने का कारण है कि जब बैट्समैन बॉल पर बहुत ही बड़ा फोर्स लगाता है और वो बहुत कम समय के लिए होता है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी इम्पल्स हो गया। कहते हैं जब किसी नेल को हम लोग दीवार पर या लकड़ी पर लगाते हैं या फिर उसको पीटते हैं तब उसमें भी एक बहुत ही बड़ा फोर्स लग रहा होता है जो बहुत ही कम समय के लिए लगता है। तो ये सारे इम्पल्स के एग्जांपल्स हो गया। तो इस तरह से अगर हम इम्पल्स को डिफाइन करना चाहें तो उसको लिख सकते हैं इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम व्हिच इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, और वो हो जाएगा इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरह से अगर हम लोग को फोर्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि कितना बड़ा फोर्स लग रहा है, और अगर हमको टाइम ड्यूरेशन भी पता नहीं चल रहा है कि कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए वो फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर हमको चेंज इन मोमेंटम अगर पता चलता है तो हम लोग यहाँ से इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इम्पल्स हम लोग समझ सकते हैं, एंड आई होप कि स्टूडेंट्स आप सबको इम्पल्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक में हम इतना ही बात करेंगे, आगे की वीडियोस में हम लॉज ऑफ मोशन के और भी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।